बिहार में उद्योग लगाने को लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिल सके। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन थे, उन्होंने कई निवेशकों को बिहार बुलाया था, साथ ही साथ कई कंपनियों ने निवेश का दावा भी किया। लेकिन अब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो लोगों की निगाहें इस सरकार के साथ जुड़ी है कि यह सरकार भी प्रदेश में निवेश को लेकर कारगर तरीके से कार्य करे, ताकि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिल सके। बता दें कि पिछली सरकार में देश की कई बड़ी नामचीन कंपनियों ने बिहार में निवेश करने का भरोसा किया था, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शहनवाज हुसैन की तारीफ भी की थी। बिहार सरकार ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए 529 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आए हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव को 20 अलग यूनिट में लगाने की बात कही जा रही है। इस निवेश को राज्य के निवेश प्रोत्साहन परिषद से भी मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण की 7 प्रस्ताव यूनिटों की स्थापना में 419 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एक अहम यूनिट वैशाली में प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में 213 करोड़ रुपये के निवेश होने की बात कही जा रही है, जिसमें केचप, टोमेटो पेस्ट और न्यूट्रिशियन पाउडर के निर्माण की बात कही जा रही है। वहीं इधर गोपालगंज के विष्णु सुगर मिल्स लिमिटेड में 90 करोड़ की लागत से मोलासेस बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरी, पश्चिम चंपारण मझौलिया सुगर इंडस्ट्री भी मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी प्लांट पर 27 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड में पश्चिम चंपारण में 80 करोड़ की लागत से चीनी मिल प्लांट किए जाने की बात कही जा रही है। इन सब के साथ साथ औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सत्तू और फूड उत्पादन के कारखाने लगाने की बात कही जा रही है। बिहार उद्योग को लेकर अधिकारियों ने तो यह भी बताया है कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े मामलों में 110 करोड़ के निवेश से 13 राइस मिल लगाने का प्रस्ताव है। यह मिल सीतामढ़ी, मधुबनी के विद्यानगर, किशनगंज के काशीपुर, बेलवा, रोहतास के करघर, औरंगाबाद में खेरहरी, बांका, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर में जगदीशपुर और पूर्णिया में लगाने की बात कही गई। खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ बिहार सरकार टेक्सटाइल में भी कई यूनिट लगाने की बात कह रही है, जिसमें 46 करोड़ रुपये के निवेश करने की बात कही जा रही है। किशनगंज के सुल्तानगंज में जूट के धागे, इसके साथ साथ फाइबर उत्पादन, सिलाई बुनाई और कढ़ाई की यूनिट लगाने की बात का भी जो है प्रस्ताव बना हुआ है। इसके साथ साथ भागलपुर, पूर्णिया, बांका और पूर्वी चंपारण में टेक्सटाइल और लेदर यूनिट के लिए शुरुआती क्लियरेंस की मंजूरी दे दी गई है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो फ्लाइड एस ईट निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर, मोहनपुर में, भागलपुर, पटना, बेगूसराय में यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भी जो है वो भी आया है। हालांकि इस पर केवल 7 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव अभी तक मिल पाया है। इसके साथ साथ प्रदेश में पूर्णिया, पटना और मुजफ्फरपुर जिले में पीवीसी पाइप्स आदि के लघु उद्योग स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इन सब के साथ प्रदेश में 177 करोड़ के 21 अलग यूनिट लगाने की बात कही गई है, जिसमें कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग, नवीकृत ऊर्जा फ्लोर मिल, पेपर कप और प्लेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस मशीन, मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल, ऑक्सीजन प्लांट और वुडन फर्नीचर यूनिट लगाने की बात कही गई है। इस तरह से पिछले दिनों निवेश प्रोत्साहन परिषद में 41वीं बैठक में 765 करोड़ से 53 प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस की मंजूरी दे दी गई। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में निवेश होने की पूरी उम्मीद है और बिहार जो है एक बार फिर से उद्योग के मामले में और रोजगार के मामले में देश के अग्रणी स्थानों में अपना स्थान रखेगा। तो ये थे बिहार में उद्योग से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।